देखा था छत्तीसगढ़ के हमर अपन चैनल न्यूज 36। जय जोहार, आप मन देखत हो न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज। मैं हूं आप मन संग प्रकाश। संविधान मा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हमेशा समानता के अधिकार के बात होत रही थे। समानता के अधिकार एक ऐसे अधिकार है जिला जमो जो अधिकार है उमर सबले पहली रखे गए है। कबर जो संविधान निर्माता मन रही से उखरो यही कहना रही से कि सबले पहली तो समानता होना चाहिए, उखर बात कोनो दूसर अधिकार के बात होना चाहिए। तो आज हमन वही समानता के अधिकार के बात करबो। आज के जो हमर विषय है वो ये है कि जो थर्ड जेंडर जो समुदाय है का उमन ला समानता मिल पाते, उखर वर्तमान में स्थिति अभी का है, यही सब विषय ला लेके हमन बात करबो। हमर संग स्टूडियो में मौजूद है विजय अरोरा जी, थर्ड जेंडर समुदाय के अध्यक्ष हैं। संगे संग छत्तीसगढ़ के पहली ट्रांससेक्सुअल एलिना जैकब जी हमर संग है। एक और जो मेहमान हमर संग जुड़ी उखरो परिचय आप मन करा मैं करा देता हूँ। रिंकी अरोरा जी हमर संग जुड़ी जिन एचआईवी छत्तीसगढ़ में एचआईवी पॉजिटिव नेटवर्क के वो अध्यक्ष है। तो तीनों जन कना हमन बातचीत करबो और जाने के प्रयास करबो कि वर्तमान मा थर्ड जेंडर के का स्थिति है। संगे संग रिंकी अरोरा जी मल्ला एचआईवी पीड़ित मन के अभी वर्तमान में का स्थिति है, सरकार के द्वारा का योजना चलाए जावत है, कैसे उखर लोगन लाभ उठा सकते, का उखर वस्तु स्थिति अभी वर्तमान में मौजूद हवे, वो सब के बारे में जानकारी दी। चलो शुरुआत करथन चर्चा के। सबले पहली विजय जी आप मन कना ही मैं शुरुआत करूं। समानता एक जैसे कि मैं शुरू में कहे हूँ, सबले पहली संविधान निर्माता मन यही शब्द ल रखी से, यही अधिकार ल रखी से समानता का। थर्ड जेंडर समुदाय ला वर्तमान मा समानता मिल पाते? देखिए, मैं जहां तक हम लोग जान रहे हैं कि समानता का अधिकार हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जैसे एक महिला और पुरुष को जो समानता का अधिकार हम देखते हैं मिलता है, वो अधिकार में कहीं ना कहीं पे आज भी हम वंचित हैं। समाज में हमें अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो समानता के अधिकार जो बार बार ये प्रश्न आते, अगर मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी ये कहा थे कि थर्ड जेंडर ला पूर्ण रूपेण समानता मिलना चाहिए। अगर मैं अभी के वर्तमान में जम्मू जो प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उखरो बात कर रहा हूँ, तो अलग से एक कॉलम रही थे थर्ड जेंडर मन के लिए। तो जब ये सब सुविधा सरकार के द्वारा करे जाते, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन भी दिए गए हैं, तो क्या वो मूर्त रूप में उतर नहीं पाते? देखिए, लिखा पढ़ी में सारी चीजें हैं, इट्स ओके। आपने कहा कि तृतीय लिंग समुदाय का एक कॉलम जोड़ा गया है, पर अभी भी कई जगह पे नहीं जुड़ा हुआ हमें मिलता, हमें अलग से कॉलम बनाना पड़ता है। तो मेरा कहना ये है कि जब कॉलम दिया गया है तो उस कॉलम के साथ हमारे साथ भी पूरा सब कुछ होना चाहिए। जी, हमारे संग छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांससेक्सुअल एलिना जैकब जी है। एलिना जी, सबले पहले तो मैं आप मन से ये जानना चाहता हूँ कि कब आप मन ला ये एहसास हुई से कि मुला अब ट्रांससेक्सुअल हो जाना चाहिए, और कैसे वो दौर रही से, कौन कौन परेशानी के सामना आप मन ला करेल पड़ी से। खबर मैं ये बिल्कुल समझ पाता हूँ कि जब कुछ समाज में कुछ अलग तरह के घटित होते तो समाज के नजरिया का होते, कैसे आप मन के अनुभव रही से? देखिए कि ऐसा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो नॉर्मल बच्चों की तरह पैदा होता है, वो भी नॉर्मल लाइफ गुजारता है, पर धीरे धीरे जब उसके सेंस आते हैं, जब वो अपनी एज उसकी बढ़ती जाती है, तब उसको ये एहसास होता है कि मैं आप कॉमन बच्चों से कुछ अलग हूँ, बाकी उसे मेरे अंदर कुछ अलग भावनाएं हैं। वो लड़कों की तरह खेलता नहीं, उसको फ्रॉक पहनने की इच्छा होती है, साड़ी पहनने की इच्छा होती है, गुड़िया से खेलने की इच्छा होती है, बाकी लड़कों की तरह वो क्रिकेट वगैरह नहीं खेलता है, उनकी सारी लड़कियों के उसके अंदर गुण होते हैं। तो ये ऐसा होता है कि पुरुष के शरीर में एक महिला की आत्मा वास कर रही है, इस किस्म से है। फिर जब वो जवान होता है तब उसे पता चलता है कि मैं समलैंगिक हूँ, या मैं गी हूँ, या मैं तृतीयलिंग समाज से बिलोंग करता हूँ, या मैं तृतीयलिंग समाज से जुड़ा हुआ हूँ। तब उसके अंदर की कश्मकश उसको ये मजबूर कर देती है कि अब मैं अपने जीवन को किस तरह से पेश करूँ, अपने आप को किस तरह से
समाज में प्रूफ करूं कि मैं त्रितिलिंग समाज का हूं और मैं कैसे अपनी जिंदगी जीऊं, उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वो अपने जीवन को किस तरीके से गुजारे जी। अब समाज का क्या नजरिया होगा उसके प्रति, किस किस्म से लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, लोग इस चीज को अपनाएंगे कि नहीं, उसको त्रितिलिंग उसको अलग से उसको कंसिडर करेंगे कि नहीं कि वो गे है। तो इस किस्म के प्रश्न चिन्ह उसके सामने लगे रहते हैं और बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे पहले अपने परिवार में ही उसको बहुत सारे भेदभाव का सामना करना पड़ता है, कभी पिता से, कभी भाई से, कभी परिवार वालों से, कभी रिश्तेदारों से, तो उसको बहुत तकलीफें होती हैं। फिर स्कूल में भी वैसे ही चीजें होती हैं उसके साथ, बाकी बच्चों से वो अलग होता है, तो इसमें ये बहुत तकलीफजनक सफर होता है मेरे हिसाब से जी। विजय जी, जब भी थर्ड जेंडर मन के बात होते तो अभी धारा 17 के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होते, एक आम नागरिक के तौर पे, एक आम दर्शक के तौर पे अगर कोई समझना चाहे कि आखिर ये धारा 17 है का, तो का उमल्ला आप मन बताना चाहता हूँ। देखिए, धारा 17 मतलब ये कि जो समानता महिला और पुरुष के बीच में धारा 17 का भी, वहाँ भी धारा 17 है, पर धारा 17 हमारे थर्ड जेंडर के लिए ये है कि यदि कोई पुरुष हमारे साथ समलैंगिक होके हमारे साथ रहता है, वो हमें एक इज्जत सम्मान देता है, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल लोग 8-10 साल से लोग लिविंग रिलेशन में रहते हैं, वो हमें कमरे तक अपनी पत्नी मानता है, हमारे हमें अपना दोस्त मानता है, हमें हर जगह पे अपना एक सम्मान देने के लिए कोशिश करता है और वो रहता भी है, पर एक समय ऐसा आता है, हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल, कि उसको आज के जमाने में जब सब कुछ हो जाता है तो उसको अपने माँ बाप अपना परिवार दिखने लगता है और वो ये सवाल हमसे करने लगता है कि यार तुम तो थर्ड जेंडर हो, मैं तुम्हें समाज के सामने कैसे प्रेजेंट करूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये धारा 17 जो है 17 वो बहुत अच्छी है कि अब हम उसके ऊपर ये एक्शन ले सकते हैं कि अगर उसने हमें इतने साल यूज किया, चाहे वो हमारे शरीर के साथ, चाहे वो हमारे पैसे के साथ, चाहे वो समाज से हमें अलग करके रखा, चाहे कुछ भी हो, पर अब उसको उसके माँ बाप भाई बहन परिवार दिखता है, तो एक्शन हमारे साथ भी उनके ऊपर होना चाहिए जी। तो ये बहुत अच्छी धारा है जी। हमारे संग छत्तीसगढ़ में HIV पॉजिटिव नेटवर्क के जो अध्यक्ष हैं रिंकी अरोरा जी, वो बिलासपुर ले जुड़े हुए हैं। रिंकी जी, आपमन से ही मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे कि विजय जी बताई से कि समलैंगिकता, तो जब से ये जो शब्द अस्तित्व में है, हालांकि कई जने ला अप्राकृतिक मानते या जो भी है उखर ऊपर मैं नहीं जाना चाहूँ, लेकिन अगर बात करें जाए HIV पॉजिटिव लोगों की संख्या, तो दिन ब दिन एकर संख्या बढ़त जाते हैं। तो सिर्फ थर्ड जेंडर की बात नहीं है, एक आम जो HIV पॉजिटिव व्यक्ति है कैसे एकर से बच सकत है। देखिए, HIV संक्रमित जो समुदाय है, और जैसा कि आपका प्रश्न है कि कैसे एक आम इंसान HIV संक्रमण से बच सकता है जी। तो सबसे पहले तो हमारा जो टीनेजर और युवा है, उनके बीच अवेयरनेस, उनके बीच जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। ये जागरूकता से ही स्टार्ट हो, सबसे पहले सेक्स के विषय में एजुकेशन के पे बच्चे से करें, ताकि अपने दोस्तों से या फिर सोशल मीडिया के जरिए कुछ गलत या आधी अधूरी जानकारी ना पाए, क्योंकि पूरी उसको जानकारी होगी तो वो किसी भी तरीके के सेक्स में इन्वॉल्व, या फिर ब्लड अगर उसको चाहिए, या फिर किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंटल या ट्रामा होता है, तो उस दौरान वो पूरे प्रिकॉशन के साथ ही इन्वॉल्व होगा, और हम इस बीमारी को यू और हमारे जो भी टीनेजर्स के बच्चे हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, हम उसको वहां पर रोक सकते हैं जी। रिंकी जी, एक और बात कि सरकार के द्वारा भी कई प्रकार की योजना चलाए जावत है, सरकार के द्वारा सुविधा दिए जावत है, अगर बात करें जाए सरकारी सुविधा मन की, तो का का सरकार के द्वारा सुविधा अभी वर्तमान स्थिति में मुहैया कराए जावत है। सरकार पूरे भारत देश में, और हम बात कर खासकर छत्तीसगढ़ की, तो मैं यही बोलूंगी कि जो ARP मेडिसिन है,
जो एक एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को रोज एक टाइम से खाना रहता है जिससे कि उसका एचआईवी का वायरस ना बढ़े, वो सरकार के द्वारा बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, जो कि बहुत महंगी होती है। लेकिन सिर्फ एक दवाई के ही भरोसे इंसान और से नहीं लड़ सकता, क्योंकि एक एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है और उसको समाज की तरफ से सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और जिससे कि वो समाज से बायकट कर दिया जाता है कि आप एज ए सेक्सुअल ट्रांसमिशन से इन्फेक्टेड हो को हम नहीं, तब उसको बहुत सारी योजनाएं का लाभ होना चाहिए। जैसे में बात करें तो जो अंत्योदय योजना बीपीएल कार्ड है, हाँ। वो एक योजना का लाभ एचआईवी पॉजिटिव लोगों को मिल रहा है, लेकिन इसको छोड़कर जो बाकी चीजों की योजनाएं, जैसे कि बस पास की बात है और क्या बोलना चाहिए, अटल आवास योजना है, विधवा पेंशन योजना है, एचआईवी पेंशन योजना है, ये सारी चीजें सिर्फ कागजों में है, इसका लाभ ना ही मिल रहा है ना भविष्य में मिलने की संभावना है। जी, कहे का मतलब ये है कि सरकारी योजना तो बहुत सारा है कागज में, लेकिन वो मूर्त रूप में आगू नहीं आ पावत है। विजय जी, रिंकी जी एक बहुत बड़े सवाल खड़ा करी से काउंसलिंग के। काउंसलिंग बहुत जरूरी है, समझाने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए जो भावनात्मक रूप से जुड़ सके, ओला समझ सके। का आप मन लगते कि जो एक थर्ड जेंडर समुदाय है ओला प्रॉपर एक काउंसलर मिल पाते जिन ओखर भावना ला समझ सके और ओला सही गाइड कर सके? देखिए, ऐसा तो हम लोग अपने जब आसपास में देखते हैं, विभागों में देखते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमारे लिए कोई ऐसा काउंसलर कहीं बैठाया गया है जो हमें समझ पाए। जैसा कि हमारा अपना खुद का अपना एक समाज कल्याण विभाग है जो सोशल वेलफेयर बोर्ड है, उसमें मैं खुद मेंबर हूँ बिलासपुर से, और मैं मुंगेली भी देखता हूँ। अच्छा। तो मैंने देखा है कि जिसको हमारे वेलफेयर के लिए बैठाया गया है वहां पे भी महिला और पुरुष हैं, ठीक है, परंतु वो महिला और पुरुष भी थर्ड जेंडर को भलीभांति नहीं समझ पाते, जिसका एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है आज हमारे बिलासपुर में कि 800 लोगों का सर्वे में सिर्फ 120 या 130 ही आईडी बन पाई है। इस गैप को देखते हुए मुझे ये लगता है कि वहां पे एक थर्ड जेंडर व्यक्ति को ही बैठाया जाए जो प्रॉपरली अपने थर्ड जेंडर समुदाय की काउंसलिंग कर सके, और उनका जो आईडी और भी जितनी चीजें हैं, जैसे राशन कार्ड की है, आधार कार्ड है, श्रम कार्ड है ना, तो ये सारी चीजें मुझे मालूम है कि मैं आज एक अध्यक्ष होने के नाते कुछ भी कैसे भी कहीं से भी उनका एक सपोर्ट करके उनके ये सारी चीजें बनवा देता हूँ। परंतु हम ये चाह रहे हैं कि सोशल वेलफेयर बोर्ड में भी हमें एक सीट, एक चेयर दी जाए पर्टिकुलर, ताकि हम वहां बैठ के अपने समुदाय के वेलफेयर के लिए काम कर सकें, ये बहुत जरूरी है, और एक अच्छी काउंसलिंग कर सकें जो एक काउंसलर को करना चाहिए। जी, कहे का मतलब ये है कि जब कोई एक समुदाय से, थर्ड जेंडर समुदाय से जब कोई आई तो और ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ पाई और वो समझ पाई। जी 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 जी, हमारा जी। यही कहना है कि समाज में जो आज गैप है, जो दिखाई नहीं दे रहा है बिलासपुर में, हमारी कई बार बड़े अधिकारियों से बात होती है कि विजय 800 का रेशो है और अभी तक इतना आईडी नहीं बना है, लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हम भी यही चाहते हैं कि समाज में हम वहाँ बैठ सके और लोगों को, अपने ही लोगों को अच्छे से काउंसलिंग करके उनका थर्ड जेंडर कार्ड ज्यादा से ज्यादा बन सके और उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, वंचित ना रहे। जी एलिना जी, अब जो मैं आपन सो कहना चाहता हूँ वो शायद बोले में भी थोड़ा अजीब लगते हैं, लेकिन बोलना बहुत जरूरी है। एक जो आम नागरिक है वो थर्ड जेंडर समुदाय ला कुछ अलग प्रकार से ही सोचते, जब उखर बारे में सोचते तो ला इसे आते कि कोई है जो ट्रेन में जाके पैसा वैसा लेवत है, लेकिन अभी के वर्तमान स्थिति में अगर देखे जाए तो अब सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जावत है जेकर द्वारा मुख्य धारा ले उमल्ले जोड़े जा सके। अगर पाछू सरकार के ही बात करूं, हालांकि अभी वर्तमान में वो भर्ती प्रक्रिया ला रद्द कर दे गए है, छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक मन की भर्ती होने वाला रही से, उमा मैं है ये देखे हूँ कि जो थर्ड जेंडर समुदाय के लोगन है वह मतलब ट्रेनिंग दे जाते रही कि कैसे दौड़े जाए,
कैसे एक ऐसे तैयारी करे जाए कि उखरो वो जो परीक्षा है वो निकल जावे। तो अलग अलग प्रकार से मुख्य धारा ले जोड़े के प्रयास तो करे जावत है, लेकिन फिर भी कितना सरकार है सफल हो पाए और कितना ये जो पूरा समाज है वो सफल हो पाए थर्ड जेंडर समुदाय ला मुख्य धारा ले जोड़े मा। देखिए जैसे कि आपने कहा कि अभी सरकार ने इतनी योजनाएं निकाली है पुलिस में भर्ती करवाने के लिए, देखिए जब सरकार नहीं रही, जब सरकार बदल गई तो ये सारी चीजें पन्नों में ही रह गई, ये कागजी कार्रवाई रह गई, उनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी को भी पुलिस में नौकरी नहीं मिली है ना। और बाकी जो योजनाएं हैं जो सरकार सब पन्ने पे ही रह जाती है, मैं चाहती हूँ इसमें चर्चा हो और मौका मिले त्रितलिंग समाज के लोगों का कि भी और भी जगह पे काम कर सके, लोगों की ये भावना ही नहीं बनी रहे कि वो ट्रेन में मांगे, वो भीख मांगे, वो नाचे गाए। हम भी ये चाहते हैं जो बाकी इनकी वजह से जो बाकी गीज हैं, जो बाकी त्रितलिंग के लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी दब जा रहे हैं। तो लोगों की ये छवि बन गई है कि ये भीख ही मांगते हैं, नहीं, ऐसे काफी त्रितलिंग समाज के लोग हैं जो अच्छे जगहों पे काम कर रहे हैं, होटल्स में काम कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर में काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, है ना, HIV एड्स की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सी जगहों पे काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी भी सरकार की योजनाओं में वो दम नहीं दिखाई दे रहा, बस योजनाएं ही हैं, अगर इनको मौका मिले तो ये भी काम कर सकते हैं। जन जागरूकता की कमी है जी, बिल्कुल जन जागरूकता की कमी है कबर की। जाहिर सी बात है, जब भी हमन कोई सरकारी कार्यालय में जाथन तो हमला थर्ड जेंडर समुदाय से कितना लोगन दिख जाते जी। अगर अगर हम कोई विद्यालय में जान तो एक थर्ड जेंडर समुदाय ले कितना शिक्षक मिल जाते हैं, अगर हम पुलिस विभाग में जान तो थर्ड जेंडर समुदाय से हमला कितना आरक्षक मिल जाते हैं, अगर कोई सरकारी कार्यालय में जाथन तो थर्ड जेंडर समुदाय से कितना बाबू मिल जाए। तो ये एक बड़े सवाल है कि मूर्त रूप में वो जो वस्तु स्थिति है वो नजर नहीं आवत है। ये संवेदनशील मुद्दा में अभी हमारी चर्चा जारी रही, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर रुका था, ब्रेक के बाद तुरते लौट बो। देखा था छत्तीसगढ़ के हमर अपन चैनल न्यूज 36। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप मन के, और हमन बात करत हन थर्ड जेंडर समुदाय ला का वर्तमान मा कितना समानता मिल पावत है, ये विषय लली के हमन चर्चा करत हन। हमर संग जुड़े हुए हैं विजय अरोरा जी, एलिना जैकब जी, और संगी संग बिलासपुर ले हमर संग जुड़े हुए हैं रिंकी अरोरा जी। रिंकी जी, सबले पहली मैं आप मन का ना ही आना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति HIV पीड़ित हवे तो उखर लिए चिकित्सा के का कुछ सुविधा है, कितना इंतजाम है? HIV संक्रमित आप पूरी मुझे क्लियर जी जी रिंकी जी, मैं वही पूछना चाहता हूँ कि अभी जो वर्तमान चिकित्सा है वो कैसना है, का सही मायने में जो एक HIV संक्रमित व्यक्ति है ओला पूरा वो सुविधा मिल पावत है? देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जो एक HIV संक्रमित व्यक्ति होता है उसका सबसे ज्यादा जो आमना सामना है वो चिकित्सा के चलते होता है, क्योंकि जैसे जैसे बदलते हैं वो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन जिसको अवसर मानते हैं वो उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसको प्रॉपर इलाज की जरूरत, और ARTकी जो दवाइयां हैं को एडमिट बोलते हैं, उस दवाइयों से बहुत लंबे चलने वाली दवाई दुष्प्रभाव से शरीर, लीवर, ये सब भी फेल की संभावना सबसे अधिक है। तो हमारे यहाँ पे चिकित्सा में बात तो चिकित्सा पद्धति में निजी अस्पताल तो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है HIV संक्रमित व्यक्ति को लेकर। निजी अस्पताल में जब भी इंसान कोई भर्ती होता है और उसको उसका जो HIV स्टेटस का वहां के कर्मचारियों को और डॉक्टरों को पता चलता है तब उसको वहां से तुरंत ही ये कहकर
अपने उसके ट्रीटमेंट से मना कर दिया जाता है कि हमारे प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रॉपर रूप से नहीं है, हमारे पास अलग से ऑपरेशन थिएटर नहीं है, हमारे पास ऐसे कर्मचारी नहीं है जो कि एक एचआईवी पॉजिटिव को छू सके। तो मेरा एक ही एक सवाल है सभी से कि अगर हम डॉक्टरों की जो एक्ट है जो जिसमें वो कसम खाते हैं और हम अगर डॉक्टरों की पूरी आईएमए है और एमसीआई है ये एक प्रोटोकॉल बनाती है और प्रोटोकॉल के दौरान ये तय है कि आपके पास किसी भी टाइम अगर आपातकालीन स्थिति पे कोई केस आता है तो आपको वो हैंडल करना है, आप ये नहीं जाने कि वो एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं है, और अगर है तो आप उसको ट्रीटमेंट दीजिए क्योंकि यही सबसे सर्वधर्म सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा मानवता है हमारे भारतीय संस्कृति की कि हम उनका इलाज करें। तो निजी अस्पतालों बिल्कुल भी नहीं रहा है। सरकारी अस्पतालों की बात करूं तो आज से लेकर पिछले 5 सालों में लगभग 9 लोगों की मृत्यु हो गई सिर्फ इस वजह से कि उनकी किडनी खराब हो गई थी और उनको डायलिसिस की जरूरत थी और सिर्फ डायलिसिस के कारण उन लोगों की मृत्यु हो गई जिसमें से 3 बच्चे भी शामिल हैं। अच्छा, तो आप ये भी देखिए कि सिर्फ डायलिसिस ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो रही है और सरकार के पास ऐसा नहीं है डायलिसिस मशीन है लेकिन एचआईवी संक्रमित व्यक्ति का वो अलग से डायलिसिस मशीन अलग करके वो करना नहीं चाहते और डायलिसिस की भी बात को हटाकर हम नॉर्मल वे में भी जाते हैं, कोई गर्भवती महिला है जो एचआईवी संक्रमित है डिलीवरी को लेकर भी जाते हॉस्पिटल में तो भद्दे भद्दे और इतने गंदे शब्द कहे जाते हैं कि तुमको क्या जरूरत है पैदा करने की, तुम एचआईवी संक्रमित हो। तो मातृत्व का अधिकार आप किसी भी महिला से नहीं छीन सकते। दूसरी बात, स्वास्थ्य अधिकार सबका अधिकार है तो एक एचआईवी संक्रमित का क्यों नहीं है? जीवन जीने का अधिकार सभी का है तो उनका भी है। और अगर इस मैटर में मैं एक बार और बोलती हूँ, अगर चिकित्सा पद्धति सुधारी जाए तो संक्रमित लोग अपने जीवन को बड़ी याचिका दायर करें और जी बिल्कुल, ये आप मन एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाए हैं कि चिकित्सक मल्ला और ज्यादा संवेदनशील होए के जरूरत एमा हवे। तो लेकिन रिंकी जी, एक और जो बात मैं आप मन से पूछना चाहता हूँ, आप मन यही सब विषय ले के प्रेस कॉन्फ्रेंस घलो करे हो, थर्ड जेंडर समुदाय भी उमा शामिल रही है आप मन के संग में, अगर कोई एचआईवी संक्रमित व्यक्ति का ना भेदभाव करे जाते, कई बार ऐसे भी होते कि ओखर कना हिंसा भी हो जाते, तो अगर ओखर कना भेदभाव होते, ओखर कना हिंसा करे जाते, ओखर ऊपर शब्द के बाण चलाए जाते, तो का कुछ ओखर अधिकार ओला अधिकार प्राप्त है कानून के द्वारा, जेकर द्वारा वह अपन अधिकार मन के रक्षा कर सके, ओहू ला सुरक्षा मिल सके? अगर मैं कानूनों की बात करूं तो कागजों में तो बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और एचआईवी बिल की कॉपियां भी है हमारे पास जो कि ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति एचआईवी संक्रमित व्यक्ति का उसके बिना पूछे उसका एचआईवी स्टेटस को लोगों को बताता है तो 3 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा है। अच्छा। दूसरा, अगर उसके साथ किसी प्रकार का कलंक या भेदभाव होता है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो कार्यस्थल हो, चाहे वो सामाजिक लोग हो, उनके द्वारा होता है तो उसके ऊपर भी प्रावधान है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई एचआईवी का स्टेटस डिस्क्लोज कर रहा है तो क्या वो डायरेक्ट पहले कोर्ट चला थाने में ना जाए? और थाने जाता है तो थाने में ये क्वेश्चन उठाया जाता है कि क्या हम कौन सी आईपीसी की कौन सी धारा लगाए। देखिए, हम लोग तकनीकी व्यक्ति नहीं है, हमको नहीं पता कि कौन सी धारा लगाई जाएगी, लेकिन क्या पुलिस वाले भी मनुष्य हैं? उनका फर्ज नहीं बनता कि एज ए मानव उस समय एट ए टाइम एक्शन लिया जाए? क्योंकि अगर समाज के 50 से 100 लोगों को भी पता चल जाता है कि यह फलाना व्यक्ति एचआईवी संक्रमित है तो लोगों की अभी मेंटेलिटी उतनी हायर नहीं हुई है कि वो
तो हमारे यहाँ कानून है तो सही, लेकिन कानून का फायदा मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर रूप से मिल पा रहा है। बहुत मुश्किल है। कहे का मतलब ये है कि कानून तो हवे बस ओला मूर्त रूप में जमीनी हकीकत में असल जो देखे जाए तो सामने में अमली जामा ओला पहनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। विजय जी, अगर हम बात करें थर्ड जेंडर समुदाय के, तो बहुत जन ऐसे भी लोगन हैं जो ये समुदाय ला बहुत अच्छा ढंग ले समझते और संगे संग ओला आगू बढ़ाए के भी प्रयास करते। तो नकारात्मकता ले दूर अगर हम सकारात्मक पहलू के ऊपर विचार करें, बहुत जन ऐसे भी लोगन आइन होही जिनमन आपन ला सहयोग करीन होही समझिन होही। अगर आज ये न्यूज 36 के माध्यम से अगर आप मन उमल्ला धन्यवाद ज्ञापित करना चाहो तो कौन कौन ऐसे नाम आप मन के जहन में आते जिला आप मन धन्यवाद देना चाहता हूँ? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे हमारे सम्मानीय लोग हैं जिनके सहायता से वही चेयर है जिस चेयर की हमें जरूरत है जी। जैसे कि मैं धन्यवाद करूंगा हमारे बिलासपुर जो अभी अर्चना झा मैडम हैं, जो बीसा में हैं, यहाँ बिलासपुर में एसपी बीसा जी, उनका मैं इधर से धन्यवाद करूंगा। वो सदैव ही हमारे लिए थर्ड जेंडर और एचआईवी पॉजिटिव लोगों के लिए काम करती है यहाँ और आज भी कर रही हैं। हमारे आशुतोष चतुर्वेदी सर का मैं धन्यवाद करूंगा जो कि अभी रायपुर में है। टोप्पो सर का धन्यवाद करूंगा इसलिए क्योंकि जो पुलिस विभाग में हमारे थर्ड जेंडर समुदाय के बच्चों को बिलासपुर में एक दौड़ का प्रशिक्षण, उनके पढ़ाई का प्रशिक्षण, ये सारी चीजों में जो हमें एक लाभ मिला। और मैं विजय सर का भी धन्यवाद करूंगा जो कि हमारे गांधी चौक में जो एक एकेडमी है जहाँ पे बच्चों को कोचिंग दी जाती है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे बच्चों को कोचिंग दी अर्चना मैडम के बोलने से। ये सभी सम्मानीय और सिन्हा सर जो आज हमारे एडिशनल एसपी बिलासपुर में हैं, हमें बहुत दुख लगा कि हमने कल जब उनसे मिले तो सुने कि वो भी अब रिटायर होने वाले हैं 1 अप्रैल को। तो मैं कहता हूँ यार कि जो कुर्सी बैठी है हमारे लिए सम्मानित और जो हमें समझ रही है, तो हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं कि समाज में जो भी व्यक्ति उस चेयर में बैठे वो हमें समझे। जी बिल्कुल, जो वो कुर्सी में बैठा थे वो समझे। एलिना जी, ऐसे कहाँ करे जाए कि अभी विजय जी जिन वो कुर्सी के बात करत है वो कुर्सी में एक थर्ड जेंडर समुदाय के ही लोगन जावे और अपन समुदाय की लोगन लही आप मन धन्यवाद ज्ञापित कर सको, कब वो समय आ पाही और वो समय लाए बर का कुछ करे पड़ी? हम लोग किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, जैसे समाज कल्याण है, जैसे समाज कल्याण में हमने ये गुहार लगाई है कि जैसे समाज कल्याण में कॉमन स्त्री पुरुष को बिठा दिया जाता है काम के लिए, हम चाहते हैं कि वहाँ पे तृतीय लिंग समाज के कोई व्यक्ति बैठे जो उनकी भावनाओं को समझ सके, उनके कामों को समझ सके, उनके स्टेटस को समझ सके। तो समाज कल्याण में हम ये चाहते हैं कि हमारा तृतीय लिंग समाज का कोई व्यक्ति वहाँ बैठे ताकि वो भी समाज का कल्याण कर सके और ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ सके कि तृतीय लिंग समाज की क्या समस्याएँ हैं, तो इससे भी ये समस्याएं हल हो जाएंगी और समाज में और अच्छे अच्छे जगहों में जब इनको पोजीशन मिल जाएगी तो अपने आप ही समाज में चेंजेस आने लग जाएंगी और जन जागरूकता फैलेगी। मेन तो जन जागरूकता है, जन जागरूक हो जाएगा हमारा समाज तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बोलना बहुत जरूरी है कि जब थर्ड जेंडर समुदाय से जब उच्च पद में लोगन आसीन हो ही तो कहीं ना कहीं लोगन की नजरिया भी जरूर बदल ही। जी देखिए, अभी जैसे जिला विधिक सहायता में भी हमें एक उपलब्धि मिल रही है कि हमें पैरालीगल वॉलंटियर के लिए वहां के जो सचिव हैं जिला विधिक सहायता केंद्र के, उन्होंने हमें बुलाया और हम लोगों का बायोडाटा भी लिया है। और अच्छा है कि समाज में जब हम पैरालीगल वॉलंटियर बन के अगर कहीं पे जाएंगे और काउंसलिंग करेंगे लोगों की तो समाज हमें और भी भली भांति समझेगा। तो मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा जिले विधिक सहायता का कि उन्होंने भी हमें एक उपलब्धि दी है और जिसकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे सेक्टरों में हम दिखाई दें समाज में। विवेक जी, विजय जी, जो आप मन से एक और जो बात बोलना रही से कहे कि एक आम दर्शक के तौर पे बहुत झनला एक शंका हो है, बहुत ज़्यादा एक कहे जाए कि क्यूरियस है सब कोई कि थर्ड जेंडर जो समुदाय है उखर कौन कौन सा भाग होते हैं, थर्ड जेंडर में कौन कौन मन आते हैं? देखिए, समाज में जो लोगों ने देखा और जो जाना है शुरू से, थर्ड जेंडर समुदाय
जैसा कि मैं कहूं कि ट्रेन में भिक्षावृत्ति करते या बधाई उठाते या साड़ी पहन के जो लोग घूमते हैं, समाज ने केवल उन्हीं को थर्ड जेंडर माना है, किन्नरों को। अच्छा। परंतु ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है चार कैटेगरीज को लेके हुआ है, जिसकी पहली कैटेगरीज थर्ड जेंडर में आपका पोती है ओपन, दूसरा है ट्रांसजेंडर, तीसरा है हिजड़ा और किन्नर, और चौथा जो है वो शिव शक्ति जोगप्पा है। अच्छा। मैं समाज को ये बताना चाहता हूँ कि इसी जागरूकता को करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि समाज में जब पैंट शर्ट में हम जाके समाज से बात करते हैं तो समाज भी हमारे सामने क्वेश्चन मार्क लगाता है। जी। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं सोचता हूँ कि आज बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, तो मैं ये भी गुजारिश करूंगा अपने यहाँ बिलासपुर में अपने न्यायाधीश जिलाधीश कलेक्टर साहब को कि एक जागरूकता अभियान शुरू किया जाए थर्ड जेंडर को लेके, ताकि समाज समझ सके कि थर्ड जेंडर कौन कौन सी कैटेगरीज में आता है। जी बिल्कुल, तो ये जो जन जागरूकता है वो करना बहुत जरूरी है। अब जो हमारी ये जो चर्चा परिचर्चा है ओला विराम दे के समय आ गए, लेकिन उमद जाए से पहली रिंकी जी फिर से मैं आपमन के पास आना चाहता हूँ और ये समझना चाहता हूँ कि अगर औ का कुछ अगर आपमन जो संदेश भेजना चाहता हो, चाहे वो शासन लहो प्रशासन लहो, औ का कुछ ऐसे करे जाए जेखर ले एक HIV संक्रमित व्यक्ति ला लाभ मिल सके, औ का कुछ होना बाकी है। अगर मेरी तरफ से शासन प्रशासन को कोई मैसेज जाना चाहिए तो वो ये है कि पहली बात कोई भी योजनाएं बनाए तो वो लचीली योजना हो, इतनी टफ योजना ना हो कि वो योजना के पेपरों को पूरा करते करते ही व्यक्ति मौत के कगार तक पहुंच जाए, क्योंकि लचीली योजना होगी उसके पहुंच तक होगी तो ही वो उसका लाभ ले पाएगा। और अगर यहाँ पर बात की जाए कि फेक डाटा की, तो फेक कोई भी एक सामान्य मानव अपने आप को HIV पॉजिटिव नहीं बोलेगा, तो अगर उसके पास ARP का जो ट्रीटमेंट का कार्ड है वो अगर है तो उसको HIV पॉजिटिव मानते हुए प्लीज आपकी सरकारी योजनाओं का लाभ उसे पूर्ण रूप से, उसको ऐसा कुछ भी ना बोला जाए कि आप 2007 की जनगणना सूची का नाम लाइए, आप 2007 की गरीबी रेखा सूची में अपना नाम लाइए, तो इससे ऐसी योजना का कोई लाभ नहीं कागजों में चली आ रही है। धन्यवाद। तो कहे का मतलब ये है कि बहुत कुछ बदले की कोशिश तो करे जा सकते लेकिन अब बदलना बाकी है, फिर अब देखे वाला बात हो ही कि कैसे लोगन जागरूक हो ही, और जब जागरूक हो ही तो कब तक जागरूक हो ही। अगर अब मैं आप मन दोनों जन करना एक फाइनल कमेंट चाहूँ, दर्शक मन ला शासन और प्रशासन ला का संदेश आप मन के हो ही, सबले पहले एलिना जी आप मन का। मैं तो यही कहूँगी जो शासन की जो सुविधाएं हैं वो सिर्फ पन्ने में ना रहे, वो कोशिश करें कि जन जन तक पहुँचे और त्रितलिंग समाज तक ही बहुत अच्छे से पहुँचे, ताकि वो अपने अधिकारों से अवगत हो सके और उनका बहुत बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा समाज में कि उन्होंने उनके लिए कुछ किया है। विजय जी देखिए, मैं भी शासन और प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कर ही दिया है और सारी चीजों की राइट्स आ ही गई है, समानता का जो अधिकार हम कहते हैं, तो हमें भी समानता दिया जाए और हमें भी हर सेक्टर में एक जॉब को लेके प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि समाज के साथ हम काम करके समाज में दिख सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। जी बिल्कुल, तो कहे का मतलब ये है कि शासन प्रशासन और सिर्फ शासन प्रशासन नहीं, एक आम नागरिक लभी समझे की जरूरत है कि हर व्यक्ति अलग है, अपन आप में यूनिक है, अपन आप में अलग है और हर कोई के अपन एक उपयोगिता है। सबके शरीर अलग है, सबके बनावट अलग है, लेकिन आत्मा एक ही है। तो समानता के अधिकार सबले पहली यही नाव से रखे गए हैं। आज के ये चर्चा परिचर्चा में बस अतकिच, मोला दो विदा, जय जोहार। जय जोहार। देखा था छत्तीसगढ़ के हमारे अपन चैनल न्यूज 36।